शिक्षाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित श्री रमेश भोजराज द्विवेदी जी जोधपुर से जो महासम्मेलन गोल्ड मेडल दल समिति के भी सदस्य हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सामने हैं और उसी दर्जे के भाई श्री अजय हनुमान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने राधा अष्टमी के इस महापर्व पर सभी ज्योतिर्विदों को राधा जी के दर्शन करवा दिए। प्रातः काल से ही ज्योतिष पर विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही है और कई भविष्यवाणियां भी हुई, मैं सुन रहा था भारत की कुंडली पे भी चर्चा हुई। अभी मैं पूज्यपाद जगतगुरु निश्चलानंद जी के सानिध्य में पूरी गदारा हुआ था तो वहां ये चर्चा हुई कि भारत की कौन सी कुंडली लेते हो, क्या 1947 के पूर्व भारत नहीं था? अगर स्वतंत्र भारत की कुंडली का विश्लेषण करते हो तो फिर कलियुग कली प्रथम चरण जम्मू द्वीप भारत खंड ये कहां से हजारों वर्षों से बोल रहे हो? उससे पहले ये संकल्प नहीं कर रहे थे क्या? तो स्वतंत्र भारत की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो और भारत के भविष्य में विचार कर रहे हो, ये कैसी ज्योतिष है? अगर भारत की कुंडली का विचार करना है तो कलियुग संबंध प्रमाण से करो और उसमें जातक ग्रंथों का क्या काम है? आप जातक ग्रंथों के आधार पर शश योग माधव योग जो जातक के लिए लागू होते हैं वो उसमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। निर्मीय ज्योतिष पर अगर शोध करना है तो संहिता ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी निर्मीय ज्योतिष पे काम हो पाएगा। आपको भरत संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको भद्रबाहु संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको नारद संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा। संहिता ग्रंथों के आश्रय बिना जातक ग्रंथों के अगर आप भविष्य कथन कर रहे हो गेष्ट कुंडली का तो सरासर निरर्थक है, आप खुद भी भ्रम में हो लोगों को भी भ्रम में डाल रहे हो। निश्चित रूप से यह समय जैसा कि सुबह में चल रहा था, एक बहन जी कह रही थी कि हम संक्रांति काल में हैं, निश्चित रूप से पूरा विश्व इस समय संक्रांति काल में चल रहा है। संक्रांति काल का आश्रय आप सभी ज्योतिर्लिंग हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन कई कई तरीकों से कई मायनों में हो रहा है। विश्व स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, भारत के सामने निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। हम सभी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं पर उस ओतप्रोत में हम लोगों का गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकते। ज्योति के साथ गड़बड़ यही होती है, भविष्यवाणियां गलत क्यों होती है, कारण क्या है?
क्योंकि ज्योति दबाव में आ जाता है, जजमान के इक्वेशन में आ जाता है, गलत बात कहूंगा तो दक्षिणा नहीं मिलेगी और वो जजमान ग्रह करेगा कि पंडित साहब ने रुपये हारे को नहीं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। आप वही बात कहोगे जो वो सुनना चाहता है, वहां आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। आज जैसे हमको यहाँ गोल्ड मेडल जज समिति का में लिया गया है, सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो हमारा ये दायित्व है कि हम सारे भावनाओं से निर्लिप्त हो जाएं, ज्योति को सत्य वक्ता अवश्य होना चाहिए पर मधुर वक्ता नहीं। मधुर वक्ता और सत्य वक्ता में फर्क है। अगर आप मीठा बोलोगे और सत्य बोलोगे, इन दोनों में भेद है। तो ज्योति जहां मधुर वक्ता हो गया वहां ज्योति का भी घंटाधार हो जाएगा और ज्योतिष का भी घंटाधार कर देगा। और हो यही रहा है कि ज्योति सब मधुर वक्ता बने हुए हैं, कोई सत्य वक्ता नहीं बनना चाहता। जो कुंडली में स्थिति है उसको बताओ, नौकरी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अब आप कहते हो कि साहब नौकरी के योग तो थोड़े कमजोर है और देखो आप ये उपाय करो इससे फायदा हो जाएगा। आप अपने भाग्य पे भी जुआ खेल रहे हो और उस जजमान के भाग्य पे भी जुआ खेल रहे हो। फिर 6 महीने बाद तो आता है साहब आपने कहा इस दशा में नौकरी लग जाएगी और लगी नहीं, क्योंकि आप मधुर वक्ता बन गए। तो मधुर वक्ता बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो जजमान आया है आप ये मान के चले कि आपको बिल्कुल निर्लय भाव से उसका फलकथन करना है, किसी इंप्रेशन में, किसी दबाव में, उनके पैसे के दबाव में, उसके अधिकारी होने के दबाव में, उसके मंत्री होने के दबाव में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य वक्ता बन जाओगे तो मुझे नहीं लगता आपको मधुर वक्ता बनने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से सारे चीजों पे संक्रांति चल रही है हमारे पास भारत में भी, विश्व स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मुंह फाड़े खड़ी है। G20 भी हुआ और कनाडा नागरिक के साथ भारत का विवाद आरंभ हो गया और ये विवाद कई मायनों में इसके दूरगामी परिणाम है निश्चित रूप से। और इसको जितना छोटा समझा जा रहा है, क्योंकि विश्व स्थिति पे कई चीजें चल रही है, रूस यूक्रेन विवाद भी चल रहा है और भी कई चीजें चल रही है। और ये जो विवाद आरंभ हुआ है, क्योंकि अभी शनि भी संक्रांति में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से ये कुंभ के शनि भी 2025 तक पूरे विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी चुनौतियां रखेंगे। ज्योतिष के सामने भी चुनौतियां है, ज्योति के सामने भी चुनौतियां है। तथा प्रवक्ताओं को पता नहीं ज्योतिष से क्या समस्या है, क्या परेशानी है, जबकि उनकी दुकान ज्योतिष के भरोसे ही चल रही है। सारे कथावाचक अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि भाई दिन में मुहूर्त और रात्रि में मुहूर्त, ऐसा कुछ विवाद भी अभी चालू हुआ था। एक दाढ़ी वाले ज्योति है, मैं नाम नहीं जान रहा, कथावाचक है, उन्होंने कहा कि मुगलों के समय में रात में शादियां होती थी, तुम अब रात में शादियां क्यों करते, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तब से मुगलों के समय में रात में शादियां होती थी और जो चाहे का दर्शन तो हम वैदिक काल से करते आ रहे हैं। विवाह के उपरांत ध्रुवचारे का दर्शन होता है, वो रात में ही हो सकता है और दिन में नहीं होता, इसलिए दिन के सारे पंचांग करता इतने नहीं निकालते। ये गणना की बारीकियां हैं, इनको अभ्यास करेंगे जब समय में आएगा। फिर लगन की क्या आवश्यकता है, अगर मुहूर्त है चौकड़िए से भी आप विवाह करवा सकते हो, तो शुक्र और चौकड़िए फिर खा रहा तो अरे अगर मुहूर्त बड़ा या लगन बड़ा, लगन बड़ा
विवाह मुहूर्त में नहीं होते हैं, विवाह लग्न में होते हैं, चौकड़िया में नहीं होते हैं, चौकड़िया सिर्फ यात्रा के लिए है, तो मुहूर्त चिंता नहीं का अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार की अनेक विचित्रताएं चल रही है। एक बड़ी समस्या यह भी हुई है कि ज्योतिष को चमत्कार के साथ लोगों को लगता है ये ज्योतिषी है अभी कुछ चमत्कार करेगा और यहां से निकल देने लौटने लगते हैं। अरे ये मजारे का खेल नहीं है, जब दिल्ली शहर वाले का नाम बता दे, ये भी एक बीमारी चल रही है कि ये दिल्ली शहर वाला कोई भी आओ मैं पर्चा निकालता हूं नाम बताता हूं। अरे जमुरा है क्या? जमुरा साहब का नाम बताएगा? बताएगा उसका? इस तरह की बीमारियां चल रही है। एक और अन्य कथावाचक है, उन्होंने तो महादेव जी को तंत्र की दुकान ही बना दिया। हल्दी की माता महादेव जी को चढ़ा दो आपकी सर्वमोक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। चौचड़ी महादेव जी पर, चौचड़ी शिवलिंग पर हल्दी। आप शास्त्र का खंडन कर रहे हो और शिव को उठाते करवा रहे हो शिवलिंग पर, बड़ी शर्म की बात है। ऐसे जातक पर भी शर्म आती है और ऐसे करवाने वाले पर भी शर्म आती है। वापस लिक्विडेशन की मांग आई है तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि हम अपने देवता पे हमारा उतारा कर रहे हैं, नीमों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। शर्म आने वाली बात है, हम अपनी अला बला उतार कर शिवलिंग पर हमारे आराध्य पर चढ़ा रहे हैं। कैसी कैसी आस्तिकता है, ये कैसा धार्मिकपन है। तो इन सब मोहजाल माया जालों से बचने की आवश्यकता है। तंत्र में कई ऐसी क्रियाएं हैं, कई ऐसी विधाएं हैं जो कि आप सभी ज्योतिर्विद हैं, हम पंचांगुली साधना भी करते हैं और कितने काम मार्ग की साधना भी है जिनमें इस तरह की शक्तियां हासिल कर उनका उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाता है। साधना जो है वो कभी व्यक्तिगत उत्थान का साधन नहीं हो सकती। अगर आपने कोई शक्ति या साधना हासिल की है तो उसे आप समाज के, देश के, राष्ट्र के कल्याण में लगाओ, वहां से कल्याण होगा। व्यक्तिगत उत्थान, इसकी नौकरी लग जाए और इसकी विवाह हो जाए, उसमें आप अपने तप बल को खर्च कर रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें जो है ये ज्योतिष को और ज्योतिष दोनों को बदल की ओर ले जाएगी। और मैं आपको ये भी कहूंगा तो नित्य नए कथावाचक पैदा हो रहे हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर ज्योतिष की बुराइयां करते हैं, आलोचना करते हैं कि ज्योतिषियों के पास कुछ भी नहीं है और एकांत में जजमान को ज्योतिषीय टोटकी करते हैं। ये भी एक विचित्र बात है, टोटकों से मुक्त होने की भी आवश्यकता है। हम वैदिक मार्ग के गामी बने तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा, जातक का भी कल्याण होगा। किसी के संतान नहीं उसको पुत्रेष्टि करवाए, परंतु उसको पुत्र जीवक बीज खिलाने की आवश्यकता नहीं है हमको। वो जो पुत्र जीवक बीज बनाते हैं उनकी हालतें बड़ी खराब है और हमको इसी प्रकार से मधुर वक्ता बनने की भी आवश्यकता नहीं है। सबके वक्ता जरूर बनना चाहिए। ज्योति को नीले पाप से जो कुंडली में सच सच दिखाई दे, अगर खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, वो जजमान को बतलाना चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं ज्योति भी दबाव में आता है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको इसकी अनुकूल बात नहीं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये दिक्कत रहेगी। और दूसरा
इन पर्चाधारियों से भी सावधान रहें कि ये जो ये मजारी के खेल है। कल मैं अभी किसी पिछले एक ज्योति सम्मेलन में था, वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका वार बता सकता हूँ। फार्मूला है 2+2=4, कोई चमत्कार नहीं है। दीज ऑल आर ट्रिक्स, वो केवल और केवल कलाएं हैं और उन कलाओं और कलाकारों से बचने की आवश्यकता है और सही ज्योति को पहचानना का भी आवश्यकता है और ये जजमान का भी दायित्व है। जितना दायित्व ज्योतियों पर है उतना दायित्व जजमान का भी है कि वो सही और गलत में परीक्षा कर सके। फिर वो दोष देते हैं कि साहब मुझे तो उसने इतना ठग लिया, इतना मुंड लिया। और नाम बतलाना कोई ज्योतिष नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तंत्र की कोई साधना हो सकती है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा अजय अनंत दास जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया।